हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति सेक्टर 10 द्वारा सेंट्रल एवेन्यू में दुर्गा माता का भव्य पंडाल प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बनाया गया है। नवरात्र के प्रथम दिवस माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रतिमा की स्थापना की गई। सेंट्रल एवेन्यू के दुर्गोत्सव पंडाल में बना फिश टनल भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। समिति के सदस्यों ने इस तरह की जानकारी आयोजन को लेकर दी। शारदीय नवरात्र पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। नवरात्र की धूम इस्पात नगरी भिलाई में भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति के द्वारा सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में भव्य पंडाल माता का बनाया गया है। प्रथम दिन यहां पर माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर स्थापना की गई। जोत जवारे का भी आयोजन समिति के द्वारा यहां पर किया गया है। पूरे मंत्रोपचार के साथ यहां पर भव्य पूजा आरती की गई, जिसमें समिति के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। नमो नमः नमस्ते सु महामाया त्रिपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या कुन्देन्दुतुषारहार धौला या सुप्रवस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत। हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति के द्वारा आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई है। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत ज़्यादा ही विशेष महत्व है और आज प्रथम दिवस माता शैलपुत्री के रूप में माता की आराधना की जाती है। शैलपुत्री माता की कष्ट लोगों की भक्तों की कष्ट हरने के लिए माता यहाँ विराजमान होती है। अब तो भगवान भोलेनाथ जी की धर्म पत्नी के रूप में माता शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी सिद्धिदात्री और नव दुर्गा की माता की आराधना की जाती है। इस बार पिछले वर्ष की तरह इस बार भी हमारे यहाँ ज्योति कलश की स्थापना हुई है और सभी साथियों ने मिलकर भव्य आयोजन किए हैं। और समिति का कौन सा वर्ष है? आठवां वर्ष है। क्या कामना करते हैं माता से? माता से कामना करते हैं कि भारत विश्व गुरु बने और भलाई में खुशहाली रहे, वातावरण पूरे विश्व में खुशहाली का वातावरण रहे, लड़ाई दंगा फसाद जो चल रहा है उसका विराम हो, यही हमारी कामना है। आज हमारी समिति हर रंग दुर्गोत्सव एवं जनसेवा समिति द्वारा माता भगवती की आराधना का शुभारम्भ किया गया है। आज पहला दिन है, माता शैलपुत्री की आज पूजा की गई है। हमारी समिति के सभी सदस्य और पदाधिकारी मिलके इस पूजा को भव्य करने के लिए हमारी समिति द्वारा लगभग 35 ज्योत और 220 जवारा ये मिला के लगभग 250 का पूजा किया जा रहा है। माता भगवती हम सभी सदस्यगण की पूजा को यहाँ स्वीकार करें। माता स्वयं विराजमान है और हिंदू धर्म में इस पूजा को विशेष स्थान दिया गया है। तो हम यही कामना करते हैं माता से कि सबको सुख संपत्ति शांति और खुशहाली का वातावरण रहे, सब कुछ रहे। बहरहाल हर साल के तर्ज पर इस साल भी हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति के द्वारा भव्यता से माता रानी का पर्व मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर बनाया गया फिश टनल एक्वेरियम श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ACN न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।